नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं दांतों के दर्द को दूर करने का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय। दोस्तों, दांतों के दर्द बहुत ही तकलीफदायक होते हैं। कभी कभी इतना तेज दर्द होता है कि आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और दोस्तों, दांतों के दर्द करने के कौन कौन से वजह होते हैं, थोड़ा बहुत चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला कारण यह हो सकता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसका अन्न अगर हमारे दांतों के गैप में चला जाए और लगातार 10 से 12 दिन वहाँ पर रह जाए तो वहाँ पर सड़न पैदा करता है, बाद में हमारे दांत सड़ने लगते हैं। इसके साथ साथ ज़्यादा चॉकलेट खाने से भी हमारे दांत खराब होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप दांतों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। यह बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है, इसका असर आपको तुरंत मिलेगा। तो समय न गंवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों एक गिलास पानी। पानी लेने के बाद आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों फिटकरी को। यह वही फिटकरी है जो आप शेविंग करते समय इसका प्रयोग करते हैं। फिटकरी आपको बहुत ही आसानी से किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगा, और फिटकरी का यह नुस्खा बहुत ही पुराना है। आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं शायद आप सभी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो आपको यहाँ पर इसमें से हल्का सा टुकड़ा तोड़ लेना है इतनी मात्रा में, और इस पानी में डाल दीजिए। पानी गर्म होना चाहिए, डाल दीजिए, या फिर आप गर्म पानी में इसे डाल करके उबाल भी सकते हैं। और उसके बाद उबलने के बाद आप इस पानी से कूला कीजिए, गरारा कीजिए। इससे क्या होगा, इसका जो तत्व है वो आपके दांतों के अंदर जाएगा, वहाँ से कीटाणु को बाहर निकाल देगा, जिससे दांतों का दर्द कम हो जाएगा। इसके बाद आपको तुरंत दूसरा उपाय करना है। आपको यहाँ पर लेना है लहसुन की कलियाँ। लहसुन के अंदर एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, साथ ही इसके और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो दांतों के दर्द से निजात दिलाते हैं। तो आप यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियों को लीजिए और इसके छिलके को निकाल दीजिए, और इसे बहुत ही महीन आप पीस लीजिए। तो हमने पहले से पीस करके यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों। और नुस्खा को बनाने के लिए आप यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में, इतनी मात्रा में आप लीजिए, 4 से 5 लहसुन की कलियों को पीसेंगे तो इतनी ही मात्रा यहाँ पर बनेगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा चीज लेना है, ये दोस्तों सरसों का तेल। आप यहाँ पर सरसों का तेल इसमें 1 चम्मच की मात्रा में डाल लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर इसमें तीसरा चीज लेना है, ये दोस्तों सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक हमारे दांतों के दर्द को बहुत ही हद तक कम कर देता है। इतनी मात्रा में आप यहाँ पर सफ़ेद नमक लीजिए और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए। मिलाने के बाद आप यहाँ पर लीजिए रुई। रुई की सहायता से इस तरह से इसे लगाइए, और जहाँ पर दांतों में दर्द हो रहा है वहाँ पर इसे रखिए। देखेंगे 4 से 5 मिनट के अंदर ही दांतों का दर्द गायब हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आप बार बार भी कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपसे जल्दी मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।